हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। कहना चाहेंगे दर्शकों को अपनी फिल्म के लिए और कब तक रिलीज हो रही है? सबसे पहले सभी आप सभी मीडिया लोगों हमारी तरफ से प्रणाम। और फिल्म मेरी गुंडा आ रही है, गुंडा के सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि 6 सितंबर को हमारी फिल्म गुंडा रिलीज हो रही है उत्तर प्रदेश के सभी भोजपुरी थिएटर्स में। और मेरा अब मैंने अपील भी किया है, मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा कि मेरी भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगाया जाए और देखिए जो कि क्या रिस्पांस आता है। कोशिश है कि उसको मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ किया जाएगा। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मेरी पहली फिल्म है और गुंडा फिल्म बहुत अच्छी बनी और आप लोग देखिए। जी जैसे कि कहा आपने कि यूपी में मल्टीप्लेक्स में फिल्म को लगना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको प्रमोशंस भी करने पड़ेंगे, तो प्रमोशंस के लिए क्या क्या आपने सोचा है? प्रमोशन के लिए वो पीआर एजेंसी अपना काम कर रही है और प्रोडक्शन हाउस अपना काम कर रहा है। और अभी रिलीज के दौरान हम लोग जगह जगह डिफरेंस थिएटर्स में जाएंगे और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, थिएटर्स के जरिए, कंपनी के जरिए उसको प्रमोट भी करेंगे। और बाकी ऑनलाइन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया वो भी चल रहा है। जी, फिल्म में आपकी एक्ट्रेस है अंजना, अंजना सिंह, उनके बारे में कुछ कहेंगे? काफी सारे आपकी न्यूज वायरल हुए कि आप दोनों सेट पर काफी झगड़ा करते थे। क्या बताऊँ आपको कि अंजना मैम से झगड़ा का कोई रीज़न नहीं था। झगड़ा करिए कि मैंने कभी भी, मेरे लिए इंडस्ट्री नहीं थी, फिल्म मेरी फिल्म इंडस्ट्री में पहली पिक्चर थी और पहले पिक्चर में कभी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने अंजना मैम से मेरा इंट्रोड्यूस नहीं कराया। और अब किसी को इंट्रोड्यूस होने में या मिक्सअप होने में टाइम लगता है, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, मैं उनके बारे में गलत सोचता था ना मेरे बारे में गलत सोचती थी, और एक दिन में हम दोनों मिक्सअप होना मुश्किल था। तो इस वजह से कुछ दूरियाँ रहीं, काम के तरह लगता था ऐसा कि मैं कैसा करूँ, मैं भी कुछ नर्वस था और वो भी कुछ अपनी सीनियरिटी का डिस्टेंस मेंटेन रखती थी, तो ये सब चीज़ों को था। लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट कर लिया था, कोई खास उसके लिए वो झगड़ा नहीं था। तो अंजना मैम ने लॉन्चिंग के दौरान बोला कि हमारे लड़ाई झगड़े होते थे, तो ठीक है होता रहता, कोई वाक्य नहीं है, एपिसोड था वो खत्म हो गया। जी, आगे भी उनके साथ कोई फिल्म आने वाली है या आपकी कोई आगे फिल्म आने वाली है? हाँ, उनके साथ आगे आएगी तो किया ही जाएगा और वो तो समय बताएगा। लेकिन मेरी फिल्म आ रही है गुंडा रिटर्न, इसको हम लोग अभी आफ्टर रिलीज उसके बाद उसको शूट करेंगे। गुंडा रिलीज के बाद उसकी तैयारी चल रही है। गुंडा रिटर्न उसमें 3 हीरो हैं और उसमें बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले राजपाल यादव भी मेरे साथ हैं और हम लोग के साथ में हैं सिकंदर खान जी हैं और सिकंदर खान प्रोडक्शन भी बन रही है और मैं हूँ। जी अंजना जी को मेरी तरफ से खूब सारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो आपको। आपने मेरी पहली फीचर, मेरी करियर का शुरुआत था और आपने अच्छा काम किया और आपने एक ड्यूटी एक ईमानदारी से निभाया जो मेरे करियर के पैर पे हमने आप लोग को मुझे खड़ा करने का बहुत श्रेय है। उसी तरह से मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप उम्र लंबी आपकी हो और खुशियाँ आपके जीवन में बहुत सारी हों और जीवन के हर वो चीज़ के मुकाम पे आप पहुँचे जो आपका सपना हो। जी विजय जी, आपने पहली फिल्म की क्या क्या सीखने को मिला है आपको? जो सबसे बड़े मुझे पहली फिल्म में इंडस्ट्री की जो ट्रिक्स होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, लोग करते कैसे हैं, सोचते कैसे और उसका आउटपुट क्या आता है, ये सब बहुत काफ़ी चीज़ में सीखा जो मूवी में रह करके, आपके मूवी के दौरान, शूटिंग के दौरान और शूटिंग के बाद भी लोगों को देखा, मिला, सुना कि फिल्म एक डिफरेंट चीज़ है जो हर चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। एक मिनट में आपको इतना बोर कर देती है कि यार क्या है, और एक मिनट में इतना आपको अंदर से हैप्पी फीलिंग लाती है कि जीवन का सब कुछ यही है। तो एक कभी सच्चाई भी दिखती है और कभी अपने आप को लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं। लेकिन एक कहावत है कि अगर इरादे पक्के हैं तो सफलता चल कर आती है, समुंदर राह देता है, चट्टाने थर थर आती हैं। अगर कोई भी इरादा पक्का किया तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, और फिल्म के गानों के बारे में जानना चाहूँगी, कितने गाने हैं और आप कितने गानों में? मेरे गुंडा फिल्म में 8 गाने हैं और 8 गानों में 5 गाने हमारे साथ अंजना जी के साथ में हैं और 3 गाने गुंजन पन जी और सिकंदर खान जी के साथ में हैं। टोटल 8 गाने मेरी गुंडा फिल्म में हैं। आपकी जो दूसरी फिल्म आ रही है गुंडा रिटर्न्स, उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? गुंडा रिटर्न की कहानी लिखी जा रही है, अंडर प्रोडक्शन है और कुछ चीज़ें प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, उनका डिसाइड डिसीजन है। लेकिन जो मेरा काम है और बस इतना जानता हूँ कि हमने साइन किया है, मुझे काम करना है, जो स्क्रिप्ट मिलेगी और जो दायित्व मेरा बनेगा, जो मेरी ड्यूटी होगी, उसको मैं ईमानदारी में जैसे गुंडा में निभाया वैसे गुंडा रिटर्न में भी निभाने की कोशिश करूँगा। जी, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? अभी डायरेक्टर और एक्टर, एक्टर्स
वो डिसाइड अंडर प्रोड्यूसर है, अभी वो डिसाइड करेंगे कौन डायरेक्टर होगा और कौन उसकी हीरोइन होंगी। हीरो का नाम उन्होंने लॉन्चिंग के टाइम बताया था तो मुझे पता है, और मुझसे जो बात हुई डिस्कस कुछ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ जो मेरी बात हुई है, आगे क्या डिसीजन वो प्रोड्यूसर का डिसीजन है। और हमारी जितनी हमें जो ड्यूटी मिलेगी, जो हमें स्क्रिप्ट मिलेगी, जो मेरा काम मिलेगा, उसको मैं ईमानदारी से करूँगा और 100% देने की कोशिश करूँगा। कुछ कहना चाहोगे फैंस को अपने? मैं भी सभी फैंस को एक ही बात बोलूँगा कि मेरी पहली फिल्म गुंडा है आप लोग के बीच में 6 सितंबर को थिएटर में जा रही है। अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाकर के इस फिल्म को देखिए और प्यार दीजिए, और आपका आशीर्वाद प्यारा और प्यार मेरे जीवन का भविष्य होगा और एक मेरे जो न्यू कैरियर का एक यू टर्न पॉइंट होगा, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।